ये 24 कपड़े की तय है। इसके लिए कैंची भी ये देखिएगा, 12 इंच की कैंची है, हैवी कैंची है। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल। व्यूअर्स ये देखिएगा, ये प्लेन अबाया है, फ्रंट ओपन, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल। इसकी मैं आपको कटिंग, आपको अबाया काटने को किस तरह से कटिंग होगी ये मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरीके से होती है। ये देखिए, मैं 6 अबाया एक साथ कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तय मैंने लगा दी है इसकी, ठीक है। अभी छठी किस तरह से लगेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से जितने एक से ज़्यादा जितने भी अबाए आपको काटने हैं इसी तरीके से काटिएगा। देखिए ये पूरा अर्ज को हमने फोल्ड करके इसको डबल करके इस तरह से बिछाना है। ये हमें काटना है एक्सल साइज का, एक्सल अबाए काटना है सादे फ्रंट ओपन। अब अगर एक से ज़्यादा अगर आपको कटिंग करनी है तो ये देखिएगा इस तरह से कटिंग करनी है, एक से ज़्यादा किस तरह से हमने 1 हो 4 हो 5 6 जितने भी अबाए हो इसी तरीके से बिछा कर, ये देखिएगा इस तरह बिछा कर। तो इस पर हमें सबसे पहले निशान लगाना है इसके दामन का निशान, ये देखिएगा इस तरह से निशान लगा के लेंथ हमने रखनी है इसकी। बस ये देखिएगा, ये हमने लेंथ नाप रहे इसकी 56 लेंथ है। अच्छा, 56 लेंथ में हमें कपड़ा चाहिए 3.5 गज, 3.5 गज कपड़ा हो, ठीक है। उसका अर्ज है 2.25 गज अर्ज, 58 इंच इसका अर्ज है। ये देखिएगा 58 इंच इसका अर्ज है और 3.5 इंच 3.5 गज कपड़ा हमें टोटल चाहिए इसके लिए। बाद ही हम लैंप का निशान लगा कर हमने इसमें शोल्डर का निशान लगाना है, क्योंकि एक्सल अबाया बन रहा है। एक्सल का हिसाब ये अलग होता है, इसका आर्मोल का निशान 10 इंच के ऊपर आता है। अच्छा, ये 56 लेंथ के अंदर ये एक्सल अबाया में कपड़ा जो लगता है 3.5 गज लगता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो मीटर में 3.25 मीटर लगेगा कपड़ा इसका, ठीक है। बस ये देखिएगा, अब हमें एक्सल अबाए के आर्मोल का निशान लगाना है हमें 10 इंच के ऊपर। ये देखिए, फिर ये इसकी कमर का वेस्ट का निशान लगाना है हमें 16 इंच पर। ये इस तरह से इसको ये सीधा निशान करना है। ये फ्रंट ओपन का ये हमने इतना ये निशान लगाना है ये फ्रंट ओपन के लिए। फिर इसका शोल्डर नापना है, 16 इसका शोल्डर है। ये देखिए 16 के ऊपर इसका हाफ हो गया 8 इंच। अब इसका साइज हमने रखना है 27। कमर आ गई इसकी 25.5, ठीक है। अब इसका फ्लेयर का निशान लगाना है, फ्लेयर इसका रखना हमें 45। मजीद इससे बढ़ा भी सकते हैं हम इसका फ्लेयर, ये 45 है, 50 पर कम से कम इसका फ्लेयर होगा 54 इंच, क्योंकि इसका अर्ज है 2.25 गज का अर्ज है, 58 इंच इसका अर्ज है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेयर निकलेगा इसका 54 इंच। लेकिन हमें इसका चाहिए 45 पर ही हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद ये लेंथ हमने इसकी इक्वल करनी है, गोलाई करनी है दामन की। ये देखिए किस तरह से इसके दामन की ये गोलाई करनी है, इस तरह से दामन का निशान बिल्कुल सीधा। इस तरह से इसका निशान लगा दिया, ये शोल्डर का निशान भी इसी तरह से। ये देखिए ये शोल्डर का निशान, पहले जो मैंने आपको बताई थी इसकी कटिंग स्मॉल अबाई की बताई थी, अब ये है एक्सल। ये इसका आर्मोल आ गया 13 इंच। ये देखिए अब इसकी कटिंग करनी है इसी तरीके से जैसे बताए थे आपको। ये जो निशान लगे हुए हैं सिलाई के निशान है, इसका दबाव छोड़ कर कटिंग करनी है।
सभी बस ये देखिए कटिंग करी। अच्छा, इसके लिए हमें कैंची भी थोड़ी हैवी कैंची चाहिए क्योंकि एक साथ 6 अबाया कट रही है, सिंगल अबाया नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से कैंची चलाइएगा क्योंकि रेंज ज़्यादा बिछी हुई है। इसकी लेंथ काटनी है, इसी तरह से हमने दबाव छोड़ कर इसकी फ्लेयर की गोलाई। अच्छा, ये सबसे पहले हमने इसका इधर एक उसका लगाना है इस तरह से, जितना हमने इसका फोल्ड करना है इसको, ये देखिएगा जितना हमें फोल्ड करना। अच्छा, बस ये देखिएगा ये फ्रंट ओपन है, इसका ये हमने कुटका लगाया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका गले का निशान लगाना है, ये देखिएगा 7 इंच हमने इसका गला रखना, तो ये कुटके का जो निशान है इससे हमने 7 इंच ऐसे रखना है निशान, और 7.5 हमने इस तरह से रखना है, ये देखिएगा। अब इसका वी गला बनाना चाहो वी गला बन सकता है, इसका गोल गला बनाना चाहो गोल गला बन सकता है। अब ये फ्रंट की कटिंग हो गई है, अब मैं आपको बताता हूँ बैक की कटिंग, बैक किस तरीके से कटिंग होगी और इसकी रेंज किस तरह से बिछाई जाएगी। अच्छा, चीज देखिएगा मैंने इसकी फ्रंट कटिंग कर दिया फटी। अब इसके बाद जो मुझे कटिंग करना है इसका बैग, ये देखिएगा ये जो कपड़ा है इसको मेरे को पलट कर इस तरीके से बिछाना है, इसको घुमाकर कटिंग करेंगे ताकि कपड़े की बचत हो इसके अंदर, कम से कम कपड़ा लगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया इसके फ्रंट को, और मैं बैग किस तरह से कटिंग होती है ये मैं आपको बिछा कर बता दूँगी। देखिए एक एक कर इस तरीके से इसको बिछाना है बैक को। जितनी ज़्यादा तेज होगी कपड़ों की, जितनी ज़्यादा रेंज बिछेगी उतनी हैवी कैंची इस्तेमाल करनी होगी आपको। सिंगल पीस में तो फिर चल जाती है, बहुत हल्के हाथ से कटिंग हो जाती है। इस तरह से हमें जितने पीस है 6 पीस है 6 इंच इसी तरीके से बिछा दिया गया है। ये देखिएगा मैंने इसके बैग बिछा दिए इसके, ये देखिए पूरे 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 पीस पूरे बिछा दिए। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट का एक पल्ला निकाला है, ये देखिएगा ये पल्ला इसके ऊपर रखना है इसे। इस तरह से कटिंग करने में इसमें कपड़े की बचत होती है, ये देखिए ये जितना हमने ये दबाव के लिए तुक्का लगाया था ना इतना हमने बाहर निकालना है इसको, इससे बाहर निकालना इस तरह से, ये देखिए। अब ये पीस को इसी तरह से बिल्कुल सीधा परफेक्ट बिछा ले। अब इसको हमने बैक कटिंग कर लिया, इसी तरह से ये देखिएगा इसका आर्मोल थोड़ा इस तरह से शेप देनी है इसकी, ये ड्रेसी कहलाती है ये आर्मोल, इसे मैंने छोटा काटना है इसका बैक का, ऊपर से बिल्कुल ये बराबर रखना है, ये आर्मोल के यहाँ से इसकी गोलाई के अंदर थोड़ा शेप देना है इस तरह से, ये देखिएगा ये फ्रंट का आर्मोल है ये बैक का आर्मोल है, इस तरह से इसकी ड्रेसी उतरती है ताकि ये पहनने में बिल्कुल सही आए, इससे फिटिंग बहुत अच्छी होती है, इससे इस तरह से ड्रेस ही देने में फिटिंग अच्छी बैठती है। ये देखिएगा इस तरह से इसको कटिंग करके दम बैक का फ्लेयर भी ना इसी तरह से कटिंग करना जिसे फ्रंट का किया था हमने कटिंग, इस तरह से इसकी फ्लेयर की गोलाई देनी है। ये देखिएगा अब ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा इसको इस तरह कटिंग कर देना हमने,
ये जो कपड़ा है ये इसके गले में काम आ सकता है, इसके सामने की पट्टी लग सकती है। ये देखिएगा ये इस कपड़े में, अच्छा ये रिवर्स, ये देखिएगा दामन हम इसका ना फ्लेयर इसका ज़्यादा भी रख सकते थे। ये देख रहे मैंने आपको बताया इसका दामन हमने रखा 45 इंच, हम इसका फ्लेयर इसका बड़ा भी रख सकते थे। अगर बड़ा हम फ्लेयर रखेंगे तो इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए 4 गज कपड़ा चाहिए, क्योंकि 3.5 गज में फिर नहीं बनेगा, फिर चाहिए 4 गज कपड़ा, इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। 4.25 मीटर लेना है कपड़ा, ये 4.25 मीटर और 4 गज, फिर इसका फ्लेयर भी बड़ा बन सकता है, इसका जितना इसका अर्ज है उतना फ्लेयर बन सकता है। ये देखिएगा फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है, अब इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ये बैग को भी इसी तरह से हमने फोल्ड करना है। अब इसके आस्तीनें किस तरह से कटिंग होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जिस तरह से ये फ्रंट बिछाया था, बैग बिछाया था, इसी तरीके से ये आस्तीन के लिए कपड़ा ये भी इसी तरीके से बिछेगा। ये देखिएगा इस तरह से, ये हमने कपड़ा ऐसे करके बिछा दिया, इसी तरह से ये 6 आस्तीन है, बस ये देखिए 6 आस्तीन है इस तरह से बिछानी है। अच्छा ये वो कपड़ा है जो इसके नीचे से बचा है कपड़ा, जो मैंने बताया था आपको 3.5 गज कपड़ा, उसके जो नीचे से फ्रंट बैग निकालने के बाद जो बचा है ना उस कपड़े में से आस्तीनें निकलेगी इसकी। ये देखिएगा 3.5 गज कपड़ा, और अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 3.25 मीटर हो जाता है ये। देखिए अभी बस ये 6 पीस मैंने आस्तीनों के बिछा दिए। ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसका आर्मोल का निशान लगाना है, उसका आर्मोल था 13 इंच। ये देखिएगा ये इस तरह से इसका निशान लगा कर, ये देखिएगा अब इसकी आस्तीनें रखनी है हमें 23 इंच। ये 23 के ऊपर ये इस तरह से निशान लगा दिया, और इसकी आस्तीन की मोरी रखनी है हमें 7 इंच। ये देखिएगा इसी तरह से ये ऐसे सीधा निशान लगा दिया। सभी बस ये देखिएगा ये 6 पीसे, इनके 6 पीसों के इसकी तय हो गई है, 24 कपड़े की तय हो गई है। इसको चलाने के लिए कैंची भी मजबूत कैंची, हैवी कैंची चाहिए। ये देखिएगा 1 आस्तीन की 4 तय होती है ये। ये देखिएगा ये 1 आस्तीन है, 1, 2, 3 और ये 4, 1 आस्तीन की 4, 2 की 8, 12, 16, 20, 24, ये 24 कपड़े की तय है। इसके लिए कैंची भी ये देखिएगा 12 इंच की कैंची है, हैवी कैंची है ये इसको इस तरह से देखिए काटने में इसको थोड़ी सी मुशक्कत होगी, मेहनत होगी इसको कटिंग करने में, क्योंकि 24 कपड़ा एक साथ कटिंग कर रही है। ये देखिएगा कटिंग करते वक्त ये हाथ जो है ना ये इस तरह से रखना है हमें हाथ। ये देखिएगा कपड़ा स्लिप नहीं हो कैंची में, क्योंकि मोटी तय होती है, ज़्यादा कपड़ा बिछा हुआ होता है ना तो कपड़ा स्लिप होता है कैंची में। ये देखिएगा इस तरह से फिर ये एक एक करके सबके ऊपर इस तरह से सेंटर का कुटका, क्योंकि ये आस्तीनें लगाते वक्त परेशानी नहीं हो, इस तरह से कुटके लगाने सब में। सभी बस आज मैंने आपको बताइए 6 अबाये की एक साथ कटिंग कर, रिक्वेस्ट थी कि बगैर आर्मोल के अबाया बताइएगा। ये शेप होता है, ये कटिंग का शेप जो है ना ये दुबई का शेप होता है, ये देखिएगा बगैर आर्मोल के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी कटिंग भी बताएंगे कि कटिंग किस तरह से होती है इसकी, और फिर इसकी स्टिच करना बताएंगे कि किस तरह से इसकी स्टिच होती है। ये सिंपल अबाया बिल्कुल सादी मैक्सी बगैर आर्मोल के, ये देखिएगा आर्मोल है नहीं इसका, बिल्कुल 1 पीस में है ये अबाया, जिसकी हम आपको कटिंग और स्टिच करना बहुत जल्द बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है व्यूअर्स। ये जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।